नमस्कार, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। सूचना सहायक की जो भर्ती हुई थी 2024 के अंदर, उसके रिगार्डिंग एक लेटेस्ट अपडेट लेके आया हूँ आपके लिए। बहुत सारे कैंडिडेट अभी भी कंफ्यूजन में है रिजल्ट को लेके, बट रिजल्ट में अभी टाइम लग सकता है क्योंकि परमिशन नहीं मिली। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, क्या सूचना सहायक के पदों की संख्या में वृद्धि होगी, क्या इसकी पोस्टें बढ़ाई जाएगी और टाइपिंग टेस्ट कब होगा, मतलब रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन तक डिले हो सकता है, कब तक आने की संभावना है और उसके बाद हमारा टाइपिंग टेस्ट कब होने वाला है और क्या 450 पद बढ़ेंगे। ये हर एक चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ बिल्कुल प्रूफ के साथ। आप मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहें और इसी तरह की लेटेस्ट जो अपडेट एग्जाम से संबंधित न्यूज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारा व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब बात करते हैं जो सूचना सहायक की जो भर्ती आई हुई है, इसके अंदर 450 पद बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। क्या 450 पद बढ़ेंगे और टाइपिंग हमारी कब तक हो सकती है, ये सब बात करूंगा और आपको ऑथेंटिक प्रूफ की तरफ ले चलता हूँ। अध्यक्ष साहब ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी है, वो ट्विटर पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं और कोई भी कैंडिडेट उनसे क्वेश्चन करता है तो उसका रिप्लाई जरूर करते हैं, आंसर जरूर देते हैं। तो अब देखते हैं उन्होंने क्या जानकारी दी है टाइपिंग टेस्ट को लेकर और पदों की संख्या को लेकर। पहले बात कर लेते हैं टाइपिंग को लेकर कि ये टाइपिंग सॉरी पदों की संख्या को लेकर पहले बात कर लेते हैं कि कितने पद बढ़ सकते हैं। किसी कैंडिडेट ने पूछा है, सर यह बताने का कष्ट करें कि सूचना सहायक में यदि 450 पद बढ़ते हैं तो इसी भर्ती में जुड़ेंगे या नेक्स्ट भर्ती में होगा। ये मुरारी लाल जी ने पूछा है कि 450 पद जब बढ़ेंगे वो नई भर्ती निकालोगे या इसी के अंदर जुड़ेगा, क्या संभावना है। अब ये पद क्यों बढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर नए जिले बढ़ने की घोषणा हो गई है, तो हर जगह डिपार्टमेंट में हर डिपार्टमेंट में कैंडिडेट चाहिए, स्टाफ की कमी चल रही है, तो इसलिए हो सकता है पूरे पूरे चांसेज है कि आपके 450 पद बढ़ा दें और इसी भर्ती में, क्योंकि नई भर्ती निकलेगी जब से 3 से 4 साल निकल जाएंगे, इतने टाइम काम बहुत डिले होगा, हर एक ऑफिस में स्टाफ की कमी है, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जितना रिजल्ट आपका डिले होगा ना उसमें आपको थोड़ा सा बेनिफिट हो सकता है कि ये पद बढ़ जाए और जिन कैंडिडेट बॉर्डर लाइन पे थे जिनको ऐसे लग रहा हमारा सिलेक्शन नहीं होगा तो उनका सिलेक्शन हो सकता है। तो अब बात करते हैं सर ने क्या जवाब दिया। उन्होंने बोला है यस जोड़ सकते हैं, यदि दी हुई पोस्ट के 50% तक बढ़ सकते हैं, बेशर्त यह है कि रिक्वेस्ट हमें विभागों से वक्त पर मिल जाए, यानी लास्ट टेस्ट यानी टाइप टेस्ट के पहले, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई सूचना या रिक्वेस्ट किसी विभाग से नहीं मिली है, मिलेगी तो तुरंत कराएंगे। इसका मतलब है इन्होंने कहा है कि जो पोस्ट आई थी करीब करीब आपकी सूचना सहायक की, उसके हम 50% पद मतलब बढ़ा सकते हैं। कब तक बढ़ा सकते हैं, अगर कोई विभाग जिसके अंदर सूचना सहायक की ज़रूरत है जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिस डिपार्टमेंट के अंदर, तो उनको कर्मचारी चयन बोर्ड को एक फाइल भेजनी होगी, अभ्यर्थना भेजनी होगी कि हमें इतने कैंडिडेट चाहिए अगर आप हमें उपलब्ध कराओ। तो अगर टाइपिंग टेस्ट से पहले पहले ये एप्लीकेशन आती है तो आपके पद बढ़ जाएंगे, फिर टाइपिंग उसी के अकॉर्डिंग कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा, बढ़े हुए पदों के अकॉर्डिंग उनकी भी टाइपिंग कराई जाएगी। अगर टाइपिंग टेस्ट होने के बाद ये आती है फाइल तो उसके बाद ये भर्ती नई भर्ती आएगी, इसमें पद नहीं बढ़ने वाली है। दूसरी बात करते हैं कि टाइपिंग कब तक हो सकता है। पहले ही बताया था कि रिजल्ट के आने के बाद आपको टाइपिंग का 60 दिन का टाइम मिलेगा। तो अब किसी ने पूछा सर जी सूचना सहायक टाइपिंग परीक्षा का मंथ बता दीजिए प्लीज़, तो 60 दिन का टाइम बोला हुआ था। अब रिजल्ट मुझे जहाँ तक लगता है कि 4 जून के बाद ही आएगा, तो जून और जुलाई मतलब 2 महीने निकलते हैं, ठीक है। तो पर्वत जी सूचना सहायक टाइपिंग टेस्ट अगस्त के 3रे या 4थे सप्ताह में प्लान कर रहे हैं, चोखो मतलब जैसे जून के अंदर रिजल्ट आता है, जून और जुलाई आपको 60 दिन मिल गए और अगस्त में आपकी टाइपिंग करा ली जाएगी, 60 दिन का इन्होंने बोला हुआ था उसी के अकॉर्डिंग। अब रिजल्ट कब तक आएगा, सबसे पहले आइए सूचना सहायक, उसके बाद एएनएम जीएनएम, फिर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जूनियर अकाउंटेंट और सीएचओ और संगणक, इसी ऑर्डर और डेट्स जिनके में एग्जाम हुए थे उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएंगे। मतलब सबसे पहले जो रिजल्ट आएगा इन भर्तियों के अंदर, सबसे पहले सूचना सहायक का रिजल्ट आएगा और उसके बाद ये अदर भर्तियों के रिजल्ट आएंगे और आपकी टाइपिंग टेस्ट अगस्त में होगी और 450 पद बढ़ सकते हैं। जिन कैंडिडेट को ऐसे लग रहा था कि हमारा नंबर आएगा या नहीं आएगा तो वो कैंडिडेट भी टाइपिंग स्टार्ट कर दे, हो सकता है 450 पद बढ़ गए, अभ्यर्थना आ गई अदर डिपार्टमेंट से, तो आपको बेनिफिट हो जाएगा, बाद में आपको अफसोस ना हो कि हमारी टाइपिंग स्पीड कम रहेगी, हम सिलेक्शन से बाहर हो गए, फाइनल रेस के अंदर से बाहर हो गए, तो ऐसा अफसोस आपको नहीं होना चाहिए, अभी भी टाइमिंग है
जो भी पढ़ा होगा, जो भी सीखोगा कहीं ना कहीं काम आएगा, वेस्ट नहीं जाने वाला है। तो टाइपिंग सभी कैंडिडेट करें, टाइपिंग अगस्त में होगी और पद पढ़ने की पूरी पूरी संभावना है। तो इसी तरह की लेटेस्ट जो अपडेट एग्जाम से संबंधित न्यूज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपके एग्जाम से संबंधित जो भी अपडेट होगी मैं इसी चैनल पर देने वाला हूँ। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।